अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को स्टूडेंट टिप्स में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर वैल्यू की न्यू जॉब्स के बारे में और इंशाल्लाह मैं इसमें मुकम्मल उसका क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा, इंडक्शन क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको उसका अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा। ये तरीका जो है ऑनलाइन तरीका है इसका अप्लाई करने का, और इसमें जो जॉब्स हैं उसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मेल कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिसमें फीमेल और मेल दोनों कर सकते हैं। वो मैं आगे चल के जब आपको क्राइटेरिया इंडक्शन दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए नहीं कर सकते। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तकरीबन मैट्रिक से स्टार्ट होके बैचलर तक जा रही है, मास्टर लेवल तक जा रही है, ठीक है। ये तो आगे आपको जो है सब कुछ बता दूंगा। और एक बात यहाँ पे सुन लें कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो भी सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है। और लास्ट डेट भी इसके लिए कोई शो नहीं की गई। तकरीबन ये लगता है कि नवंबर 15 नवंबर तक ये जारी रहेगी अप्लाई, ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाऊंगा। मेरे पास इस वक्त जो है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयर ब्लू एयरलाइंस की वो ओपन है, ठीक है। ये प्राइवेट जॉब्स हैं क्योंकि पहले पीए जो हमारी एयरलाइन थी वो भी गवर्नमेंट की थी, लेकिन वो बाद में प्राइवेट हो चुकी है। अब सिर्फ एयरलाइंस की जो जॉब्स हैं वो सभी प्राइवेट हैं, ठीक है। एयर ब्लू भी आपको पता है एक प्राइवेट एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी वेबसाइट पे ले गया हूँ, www.airblue.com, ठीक है। उसमें मैं कैरियर के ऑप्शन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एयरपोर्ट ऑपरेशन हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है असिस्टेंट मैनेजर की है, टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज, ये इस पोजीशन का नाम है। और उसके बाद जो लोकेशन है वो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ओपनिंग्स, मतलब कि इसके लिए जो वैकेंसीज के नंबर हैं वो एक है। उसके बाद है एसोसिएट एयर साइड, एसोसिएट कार्गो, ये बहुत सारे पोजिशन हैं इसमें। सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी आपको यहाँ पर पसंद आएगी आपने उसको ओपन करना है, और ओपन कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट आगे जो लोकेशन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पे पहले मैं ओपन करता हूँ आईएसबी एयरपोर्ट, मतलब कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है डिपार्टमेंट एयरपोर्ट ऑपरेशंस, पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज, लोकेशन है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, नंबर ऑफ ओपनिंग्स 1। उसके बाद आप देख सकते हैं हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री जो है अवार्डेड, क्या इसके लिए मैक्सिमम जो मिनिमम बल्कि या मैक्सिमम जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन, 3 से 5 साल का जो आप में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये किसी जो ओपनिंग्स हैं जो भी कोई वैकेंसी है किसी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, और इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए जो किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर है किसी में एक्सपीरियंस बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं, ठीक है। इसी तरह आपको जब जब जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। रिक्वायर्ड स्किल्स हैं 3 से 5 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। उसके बाद एमएस ऑफिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ एयरलाइन प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये तो जो लोग पहले 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं 3 से 5 साल का वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एज होनी चाहिए आपके पास तकरीबन मिनिमम 28 और मैक्सिमम 35, मतलब कि 28 से 35 साल एज लिमिट है इसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने मेल और फीमेल दोनों कुछ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ एज लिमिट लिखी है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक और ओपन जॉब करके आपको दिखाता हूँ। नीचे आ जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं, और पिशावर एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये एक लंबी लिस्ट है जो मैं सारे नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जी, जनरल स्टाफ पर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है जी। और इसके पास देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, एयरपोर्ट ऑपरेशंस है, वही पोजीशन है जनरल स्टाफ है, लोकेशन है पिशावर एयरपोर्ट, और एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही कम है, सेकेंडरी स्कूल लेवल है, ठीक है, और एज लिमिट है 20 से 30 साल, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और कुछ ओपन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटर कर लेते हैं। KHI एयरपोर्ट है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री रिक्वायर है, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर है, 20 से 32 साल इसके लिए एज लिमिट है। इसी तरह नीचे आ जाइए, फ्लाइट सर्जन है, मेडिकल सर्जन, इसमें मेडिकल की भी बहुत सारी जॉब्स हैं, देख सकते हैं। MBBS वालों के लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ और एक दिखा देता हूँ, लीड केबिन क्रू है, इसमें मैं ओपन करता हूँ। और इसमें देख सकते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस एज LCC,
और इसमें साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। फीमेल सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती हैं और मैक्सिमम एज जो है 32 साल है। तो इसी तरह कुछ और मैं ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। ग्राउंड इसमें मैं ओपन कर चुका हूँ, ग्राउंड स्ट्रक्चर कैबिन है, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट जो है 24 से 35 साल है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, 3 से 5 साल एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर है। तो इसी तरह इसमें कुछ लोडर की भी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, ये मल्टीपल जॉब्स हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको मुकम्मल समझा देता हूँ, ठीक है। आपने किस तरह अप्लाई करना है, आपने जो भी आप रेलिवेंट जो फील्ड होगी उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम एसोसिएट एयर साइड ओपन कर लेता हूँ, और इसके लिए ओपन नहीं हो रहा, ये मैं कुछ और ओपन करके देखता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर लिया है जी। तो इसमें जो पोजीशन है वो है काउंसलर की, टर्मिनल कस्टमर सर्विसेज की। इसके अप्लाई करने का जो तरीका है, अब यहाँ पे नीचे आप सिंपली आ जाएंगे, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। और जब मैंने अपनी जो रेलिवेंट फील्ड थी, जो अपने रिलेटेड जो था मेरा पास, जो ओपनिंग थी, जो वैकेंसी थी, मैंने उसके ओपन किया, उसमें नीचे लिखा था अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नीचे अप्लाई के ऑप्शन थे, मैंने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। सेलेक्ट दी टाइटल, तो मिस्टर हैं, मिसेज हैं, या मिस्टर हैं, जो भी हैं आप, मैं मिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अपना नेम लिखूँगा, और उसके बाद अपना मिडल नेम, लास्ट नेम, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, मुकम्मल चीज़ें, मुकम्मल तफसीलात आपने यहाँ पे अपनी देनी है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आप इसमें कोई भी चीज़ जो है इसमें फिल नहीं करेंगे, मतलब कि फुल इन्फॉर्मेशन आप जब तक आप नहीं देंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। कुछ इसमें ऑप्शनल होती हैं, वो आप नहीं फिल कर सकते, मतलब वो आपको इजाज़त होती है कि अगर आप करें या ना करें, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि जो जो इन्फॉर्मेशनल जो ऑप्शनल के अलावा है वो आपने फुल करेंगे, तभी जाके अप्लाई होगा। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप गलत नहीं दे सकते, अगर आप गलत देते हैं कल को आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। इसी तरह जब पहले HBL की जॉब्स आई थी, तो उसमें जिन लोगों ने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कॉल लेटर का अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कर लिया था उनको कॉल लेटर रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। कंट्री पाकिस्तान ही हमारा, तो हम पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने एजुकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स वगैरह एंटर करने हैं, ठीक है। ये भी आप अपने इसी तरीके से तक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ पर आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का भी वो पूछ रहे हैं कि किस कंपनी में, किस किस एयरलाइन में आपने काम किया है, ठीक है। तो अगर आप जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ये उसी के लिए है, ठीक है। उसमें है जी प्रोफेशनल, उसके बाद है प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है रेफरेंस है पर्सनल है, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ईमेल वगैरह, ईयर्स नाउ, जितना भी आपने वर्क किया है वो आपने करना है। और उसके बाद कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ, सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे चूज ए फाइल, अपनी फोटोग्राफ साथ में जो ब्लू बैकग्राउंड में फोटो होती है वो साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद प्लीज़ अटैच ए गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, आपने अपने आईडी कार्ड की जो फोटो कापी है वो अटैच करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल रिज्यूम CV सर्टिफिकेट, आपने अपने मुकम्मल जो CV है वो साथ में अटैच करनी है। इनमें जो मैट्रिक और जो सेकेंडरी लेवल वाली जॉब्स हैं उनके लिए CV नहीं होती, लेकिन उनके लिए जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है वो आपने अपना साथ में अटैच करना है। और एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड एयर ब्लू, ये आप उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, यहाँ पे आपने देख के सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये मुझे बता रहा है कि ये आपने जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने बिल्कुल जी ठीक इनपुट की है, ठीक है जी। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी, मतलब कुछ फिल ही नहीं किया था, तो ये मेरी जो फाइल है, ये सबमिट जो एप्लीकेशन है वो सबमिट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसी तरह जब तक आप इसमें जो है फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करेंगे, जब तक आप अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा बैंक पे जाता हूँ और दोबारा आपको यहाँ पे जॉब का इंडक्शन क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। आपने जाना क्या, आपने कहाँ करना क्या है, आपने www.airblue.com जॉब जॉब्स पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कैरियर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास एयर ब्लू की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन है, और नीचे यहाँ पे इसकी जो न्यूज़ है वो चल रही है, एयर ब्लू इज़ प्लीज टू ऑफर दी फॉलोइंग जॉब्स ओपनिंग, ठीक है। इसमें मल्टीपल जॉब्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है इसके लिए, और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, इसके अलावा
पिशावर एयरपोर्ट भी है, मुल्तान एयरपोर्ट भी है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स में जहाँ मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर है और कुछ मल्टीपल्स इसके लिए एज लिमिट भी रखी गई है, 20 से 35 साल तकरीबन रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इसमें से आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।